Hello students, welcome back. Let's start reading again. Put your finger here. On the way, they met Woozy Goozy. It means when Henny Penny, Lucky Ducky, uh, Cocky Locky, they all went together to find a the king. Then they met Woozy Goozy. The sky is going to fall, said Funny Bunny. आई एम गोइंग टू टेल द किंग तो फनी बनी क्या कहता है कि आसमान गिरने वाला है और मैं राजा को बताने जा रहा हूँ आई विल कम टू से गुजी तो वूजी गुजी क्या कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी क्लियर एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग एंड आफ्टर डैट दे ऑल वेंट टुगेदर फनी बनी हैनी पनी लकी डकी बूजी कॉकी लोकी इट मीन्स ऑल द एनिमल्स वेंट टुगेदर टू फाइंड द किंग एंड आफ्टर दैट दे मेट वॉक्सी फॉक्सी द वे तो फिर उसके बाद वो रास्ते में किसको मिलते हैं वॉक्सी फॉक्सी को वॉक्सी फॉक्सी इज द नेम ऑफ अ फॉक्स क्लियर लुक एट द पिक्चर दैट इज द पिक्चर ऑफ फॉक्स फॉक्स मीन्स लोमड़ी क्लियर द स्काई इज गॉइंग टू फॉल द ऑल सेट मीन्स ऑल द एनिमल्स सेट टूगेदर द स्काई इज गंग टू फॉल वी आर गोइंग टू टेल द किंग तो वो सभी एनिमल इकट्ठे बोलते हैं कि आसमान गिरने वाला है और हम राजा को बताने जा रहे हैं फोक्स इज अ वेरी क्लेवर एनिमल हर माउथ वाटर वी सॉम ठीक है क्लियर इट मीन्स जब जो लोमड़ी है वो उन सभी एनिमल्स को इकट्ठे देखती है तो उसके मुँह में पानी आ जाता है और वो चाहती है कि वो उन सबको खा जाए ठीक है फॉर एग्जांपल कई बार जब हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे अपनी फेवरेट चीज़ लाइक आइसक्रीम चॉकलेट जो कोई भी खाने वाली चीज़ हमें पसंद है वो देखते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि यमी काश हमें जब मिल जाए तुम्हारे तो माउथ में भी पानी आ जाता है ना उसको देख के तो सेम थिंग हैपन विथ वॉक्सी फॉक्सी तो वो एनिमल्स को देखते ही उसके माउथ में पानी आ जाता है तो वो सोचती है कि किसी तरह मैं इन एनिमल्स को खा सकूं सो डैट्स वाई शी सेट द किंग लिव्स हेयर सेट वॉक्सी फॉक्सी फॉलो मीम तो वॉक्सी फॉक्सी जो लुमड़ी है वो क्या कहती है कि राजा तो यहाँ रहता है मेरे पीछे आओ एंडट वॉज द एंड ऑफ ऑल एनिमल्स इट मीन्स शी एट देम ऑल तो इट मीन्स की वो उन सबको खा जाती है एंड डेट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी हैनी पैनी कॉकी लौकी लकी डकी एंड गुजी गुजी तो ये एंड क्या होता है उन सबका एंड होता है जब वो उसके पीछे फोक्स के पीछे पीछे जाते हैं क्लियर नाउ योर रीडिंग इज फिनिश्ड आई एम गोइंग टू टेल द मोरल ऑफ दिस स्टोरी ठीक है फर्स्टली बी ऑफ चीटर्स पहला जी कि हमें जो दुखेबाज लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए उनसे बच के रहना चाहिए और सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके खुद उसको अच्छे से परख कर फिर ही किसी के पीछे चलना चाहिए जैसे इस रैबिट ने ऐसे ही कह दिया था कि आसमान गिरने वाला है उसको कुछ समझ में नहीं था ऐसे ही उसने एक नारियल गिरा और बोल दिया कि आसमान गिरने वाला है द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल और धीरे धीरे उसने पहले हैनी पैनी को फिर और अदर एनिमल्स को सेम बात बताई और वो भी सारे एनिमल्स उसके पीछे पीछे आ गए बिना किसी सोच विचार के बिना कुछ सोचे सो तो कभी भी हमें बिना सोचे बिना समझे ठीक है तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए क्लियर सो so,

ठीक है फॉर एग्जाम्पल किस ठीक है जैसे हम लोग कहते हैं ना आई एम आई विल तो हम लोग उसकी शॉर्ट फॉर्म उसकी कंट्रैक्शन इस तरह से रखते हैं और इस तरह से प्रनाउंस करते हैं आई एम और इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं ठीक है we are और ये है वी आर और वी वर ये है उसकी कंट्रैक्शन ठीक है सो ग्रामर में हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको ब्रीफली सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड एवरीबॉडी डू रीडिंग of your lesson number five, Funny Bunny. Thanks and have a wonderful day.